जी, क्या नाम है आपका? जोर खां भाई मेरा। जोर खां जी, जो आपके गांव के मदरसे में ऊपर शाह चौखा जो मजार है वहाँ पर एक मासूम बच्चे का आप लोगों को पता है कि वहाँ पर मर्डर किया गया है? पता ही पता। तो किस तरीके से मर्डर हो, क्या मानते हैं आप? मालूम नहीं भाई, मैं बाहर था। अच्छा जी, जो मदरसे के सामने जस्ट सामने की दुकान है, तो दुकान किस बंदे की है? या कभी पता ना भाई, मोत नाम की नाम अन्य मैं ना जानू भाई। देखिए, नाम बताने से भी चकरा रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके से हम नाम पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर नाम बताने से भी चकरा रहे हैं बंदे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आपके साथ नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ कलम आज तक। साथियों, आज हम पहुँच चुके हैं शाह चौखा के उस मजार पर जहाँ पर एक मासूम बच्चे का मर्डर किया गया था। उसी की जानकारी के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से यहाँ पर मर्डर किया गया है, किस तरीके से उलमाओं पर यह भुगतान लगाया जा रहा है, उलमाओं पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मदरसे के जो उलमा हैं इन्होंने उस बच्चे का मिल झुल कर मर्डर किया है। कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार ऐसे हैं जो उलमाओं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उलमाओं ने इसका मिल झुल कर मर्डर किया है, बल्कि ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है कि उलमाओं ने इस बच्चे का बिल्कुल मर्डर नहीं किया है, बल्कि इस बच्चे का मर्डर करने वाला ही कोई और है। छोटे से लेकर बड़ा चैनल पर आज जो उलमाओं को बार बार बदनाम किया जा रहा है। मेवात जिले के अंदर अब से पहले बहुत बड़े बड़े कांड हुए थे लेकिन उसके बारे में कभी भी किसी न्यूज़ चैनल वाले ने कोई खबर नहीं दिखाई थी, बल्कि आज इस बच्चे के मर्डर पर खबर डाली जा रही हैं और मदरसे के जो उलमा हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यही वो तस्वीरें हैं जहाँ पर ये मर्डर किया गया है और जहाँ पर ये उलमाओं को बदनाम किया जा रहा है। यही वो शाह चौखा का मदरसा है जो पहाड़ पर है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यही वो मजार है जहाँ पर उस मासूम बच्चे का मर्डर किया गया। देखिए, पिनंगवा थाने से हमारे साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी कुछ बात आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार इस मर्डर के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है सर जी। मैं पिनंगवा पोस्ट पे हूँ सर जी। SHO साहब का आदेश है सर जी, जो भी आरोपी हैं वह गिरफ्तार किए जाए और क्योंकि खुलासा हो सके इसका, ठीक है सर। दूसरी बात, ये चौखा गाँव है सर, यह किसी का उसके पापा नहीं, उसके कुछ नहीं, उसके तीन सिस्टर हैं सर। उस तीन सिस्टर के लिए आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए सर, उनके घर मुंद चुके हैं सर, ठीक है सर। जिसके पापा नहीं होते, जिसके भाई नहीं होते, उनका क्या कारण है सर? ये मार दिया गया सर, इसका कारण ये है सर। मेरा SHO साहब, मैं सल्यूट करता हूँ SHO साहब से, बाहर गोसर पिनुआ थाना सर, ठीक है सर। दूसरी बात, जो लड़का है ये सरीम समीर नाम का लड़का है और चौखा गांव में सर ये पढ़ता था, और इसका कारण ये बोल रहे हैं सर बच्चे ने मर्डर कर दिया सर। आप ये मानते हैं जी एक मासूम बच्चे का किसी मासूम बच्चा ही मर्डर कर दे? नहीं, ये नहीं सकता, इसमें राज है सर, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए सर, सीधी बात है, इंसाफ मिलना चाहिए सर। मुझे जनाब, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मर्डर हुआ है, एक बच्चे का जो मर्डर हुआ है उसको एक ही बच्चा कर सकता है क्या मर्डर को? नहीं कर सकता सर, इसमें आरोपी और भी हैं सर, ये बात दबाने की कोशिश कर रही है। SHO साहब को कुछ नहीं पता सर, जो आपने ये बोल रहा है, एक भाई साहब बोल रहा था भाई यहाँ था SHO साहब आया था और अखबार में उसकी खबर आई है, ऐसे नहीं है। सतवीर सिंह SHO थाना में लग रहा है, सतवीर सिंह SHO साहब जी, वह थाना में इंचार्ज है SHO साहब, मैं उनसे बाहर रिक्वेस्ट करता हूँ सर, इसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो आरोपी और भी हैं वो दो चार आरोपी जो गिरफ्तार होने चाहिए सर। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है वारदात। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, बताने से भी अभी वो खुलासा नहीं हो पा रहा है। कोई बता रहा है कि हम यहाँ पे थे नहीं मौके पे, कोई बता रहा है हम फला को जानते नहीं हैं, हमने पूछा कि दुकान किसकी है जस्ट गेट के सामने, वो भी बताने से बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम नहीं जानते, उसको नाम नहीं पता है। बल्कि देखते हैं, पुलिस प्रशासन की भी जाँच पड़ताल चल रही है आखिरकार कब तक ये खुलासा हो सकता, क्योंकि वो मासूम बच्चे एक यतीम ही बच्चा है, ना कोई भाई है ना बाप है, आखिरकार ये तो वही टाइम बताएगा जब वो पुलिस प्रशासन अपनी कोशिश को कर ये आप लोगों के लिए ये पर्दा को बिल्कुल साफ जाहिर कर देगी। तो इतने तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ।